भरुंडा से इंदौर जाने वाला स्टेट हाईवे 22 की हालत बेहद खस्ता है, जिसमें आए दिन लोडिंग वाहन कीचड़ में फंस जा रहे हैं, जिसके चलते जाम की स्थिति भी निर्मित हो रही है। इसका खामियाजा मुसाफिरों को भुगतना पड़ रहा है। 3 महीने पहले बनी सड़क आप देखकर अंदाजा लगा नहीं सकते कि ये अभी अभी बनी है। यहाँ कभी भी कोई सड़क हुआ करती थी। ठेकेदार के द्वारा घटिया निर्माण के कारण 3 माह में ही सड़क की ये हालत हो गई है। देखिए खास रिपोर्ट। बेरुंदा से संदलपुर को जोड़ने वाली सड़क आज गड्ढों में तब्दील हो गई है। सड़क पर सफर करते समय ये पहली बार याद आ रहा है कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। यह हाल बेरुंदा के ग्राम पांडा गांव से लेकर ग्राम इटावा तक है, जहां सड़क में गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं, लेकिन संबंधित विभाग कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। जबकि कुछ माह पूर्व ही विभाग ने ठेकेदार के द्वारा सड़क की मरम्मत कराई थी, वहीं ठेकेदार के द्वारा लीपापोती कर सिर्फ खाना पूर्ति ही कर दी गई थी, जिसका नतीजा ये सामने आया कि फिर से सड़क गड्ढों में तब्दील हो गई है। वहीं वाहन चालकों की परेशानी को देखते हुए यूफोरिया माइंस एंड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड तथा पावर मैक प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी के द्वारा सड़क के गड्ढों में कोपरा डाला गया, जिससे कि वाहन चालकों को परेशानी न हो। वहीं वाहन चालकों ने कंपनी के इस कार्य की प्रशंसा करते हुए संबंधित विभाग पर नाराजगी जाहिर की है। वहीं वाहन चालक व राहगीरों ने कहा, आज जो काम यूफोरिया रेत कंपनी के द्वारा किया गया वो काबिले तारीफ है। अब्दुल हमीद नाम है, पीतमपुर के इंदौर में। ये इस तरह का था कि जो रोड बनाने वाला था वो रोड पूरा खोद के भेज गए हैं और रोड सही साठ मरम्मत करी नहीं रोड की, और रोड पूरा बहुत परेशानी आ रही पब्लिक को और ड्राइवर भाइयों को भी, यानी खाना भी नहीं मिल रहा। अभी 3 दिन से ये गाड़ी फंसी हुई यहाँ पे और आज भी नहीं निकली है। कोशिश कर रहे हैं इस गाड़ी की निकालने के लिए और मोहरम डाल रहे हैं भाई साहब के, खड़े हुए हैं राजू वाले भैया और सब लगे हुए सेवा में। ये कंपनी के द्वारा कराई जा रही है। कंपनी का नाम है इम्प्रोमाइज, कंपनी का नाम है। ये राल्टी वाले हैं भैया, इनकी तरफ से मरम्मत करी जा रही है। मशीन भी इनकी चल रहा है और रोलर भी इनकी चल रहा है। तो भैया 2-3 दिन से प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे रोड सुधारने की, और रोड वाला भाग गया यहाँ से। ठेकेदारी के तरफ से ठीक नहीं हुआ भाई साहब, ये गाड़ी तो बरसों चल रही है, लेकिन हाँ एक उस महीने पहले रोड बना था, लेकिन रोड वाले ने नीचे कुछ हार्ड चीज़ नहीं भरी, मोहरम नहीं भरी इसमें, और जहाँ से गाड़ी जा रही है वहाँ से रोड दबरा है वापस। घटिया, एकदम घटिया, बिल्कुल घटिया। गोपालपुर रोड है ये, गोपालपुर नसरुल्लागंज हाईवे रोड है, नसरुल्लागंज हाईवे रोड है ये गोपालपुर वाला, और बहुत घटिया रोड। जिसने भी टेंडर लिया था उसने बहुत घटिया काम करा भैया यहाँ पे, और हर यहाँ पे पब्लिक भी परेशान है, हर आदमी परेशान है यहाँ पे, बाइक वाला भी परेशान है। 1 किलोमीटर का रोड खराब है भाई साहब पूरा, ये वो पूरा ये गड्ढे और पूरा पानी पानी, वो तो अच्छा पानी नहीं गिर रहा है, पानी गिरता तो और ज़्यादा परेशानी आती है यहाँ पे। प्रशासन से ये कहना चाहेंगे कि किसी को काम दे, अच्छे आदमी को काम दे और अच्छा निर्माण करे। ऐसा घटिया निर्माण करने से भैया गाड़ियों फंस रही है, ड्राउन परेशान हो रहे हैं, नुकसान भी हो रहा है गाड़ियों में। कल इसी गाड़ी में 10,000 रुपये का नुकसान हो गया, पिनियन टूट गया, थाली टूट गई, सब टूट गया इसका, और आज भी कंडीशन यही है भैया। माय नेम सोनू सिंह, हैदराबाद ग्राम भेंड। मैं इंपोरिया माइंस कंपनी से एक वर्कर हूँ, गोपालपुर नाका इंचार्ज, और इधर रोड वर्क का काम काफ़ी दिनों से, एक महीने पहले रोड बना था यहाँ गोपालपुर नाके पे, तो इस पर इटावा के पास में कच्चा मुरम डालने के कारण काफ़ी परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही थी, और काफ़ी लोग बस ट्रक डंपर जो आवागमन जो चल रहा था ना, काफ़ी लोग परेशान थे, इस वजह से काफ़ी कीचड़ हो रहा था, कच्चा माल डालने के कारण ये परेशानियां हुई। मैंने अपनी कंपनी को, इंफोरिया माइंस कंपनी को काम को बताया कि अपने अधिकारियों से बात की कि ये अधिकारी सरकार द्वारा कोई कार्य किया नहीं जा रहा है, जो भी कार्य किया जा रहा है कच्चा रास्ता डाल देते हैं, एक या दो दूसरे दिन परेशानियाँ आती रहती हैं।
तो इस मैंने अपनी इंपोरियम माइंस कंपनी के मैनेजर को बताया और उनसे बोला कि सर ये रोडों का काफ़ी दिक्कत आ रही है, अपनी तरफ से कुछ कार्रवाई की जाए। तो कंपनी के द्वारा 25 से 30 डंपर गुड़िया के बुलाकर फोर व्हीलर PCB के द्वारा मैं इस रोड को 1 किलोमीटर दूर की रोड है इसको मैं सही करवा रहा हूँ। ये काफ़ी 15 से 20 दिन हो गए, उन लोगों को फ़ोन भी करते हैं हम रोड वालों को, तो फ़ोन का कोई संपर्क नहीं देते। उनको फ़ोन करते हैं सर, आज कल उनको बोलते हैं मेरे पास मटेरियल है नहीं है, कच्चा मटेरियल डाल देते, दूसरे दिन फिर परेशानी होने लगती है। ये गोपालपुर इटावा से और ये गिलोर, ये कौन सा ये गांव है, बड़नागर तक ये रोड रास्ता काफ़ी ख़राब है। तो रात में काफ़ी लोग मेरे को आके बोलते हैं कि सर रास्ता ख़राब है, आप लोग सुधरवाइए। तो परेशानियां होती हैं, मैंने रोड वालों को बताया, सरकार को बताया, अपने आसपास के थानों पर बताया, तो उन लोगों के द्वारा बोला गया कि ऊपर से कार नहीं हो पा रहा है, आप लोग स्वयं करवाइए। हाँ जी सर, ठेकेदार की लापरवाही ये है, रोड जब खोदा गया था तो उन्होंने ये ऊपर का जो डम्बर का जो रोड है ट्रैक्टर द्वारा बेच दिया था, उसके कारण वो नीचे का जो मटेरियल था उसको भी हटा दिया। हटाने के बाद जो वो कोपरा टाइप का जो डाला गया वो काफ़ी कीचड़ होने के कारण कप गया, बेस सही ना होने के कारण रोड पूरा 1-15 दिन में ख़त्म हो गया। जो मैं गोपालपुर रहता हूँ, मनोज यादव मेरा नाम है, ये रोडों की समस्या काफ़ी दिनों से चल रही है, प्रशासन ठेकेदारों को सबको अवगत कराया गया उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, इस पर लोग काफ़ी परेशान हैं यहाँ पर। उसके बाद में फिर कंपनी से बोला, रेत के जो ठेकेदार है एम्फोरिया कंपनी जो है उसके जरिए ये छोटा मोटा जो भी काम है वो करवा रही है कंपनी, बाकी रहवासियों को बहुत दिक्कत आ रही है यहाँ से निकलने में गुजरने में, डेली कभी कार खप रही है तो कभी क्या हो रहा है कभी क्या हो रहा है, अब हमारी कौन सुनता है? अब आप आए तो आप पूछ रहे हो तो बता रहे हैं, बाकी हम छोटे लोगों की कौन सुनता है ये बताइएगा। ये रोड में तो जब से बारिश चालू हुई है उसी टाइम से समस्या चल रही है सर, और काफ़ी समस्या, फोर व्हीलर तो लेके जा ही नहीं सकते इस रोड से। तो रोड क्या सर, 1 महीने भी नहीं चला, ख़राब हो गया बनने के बाद। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ठेकेदार की पूरी पूरी लापरवाही है, कंपनी अच्छा कार्य कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को सहयोग मिल रहा है, इससे बाहर निकल रहे हैं, कंपनी के लोग यहाँ मदद भी कर रहे हैं, सुबह से आते हैं बेचारे दिन भर परेशान होते हैं, बाहर निकलाना ये करना वो करना, काफ़ी मदद कर रहे हैं। आपको बता दें कि हर बारिश में मुसाफिरों को इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है, लेकिन सरकार से कोई उचित समाधान नहीं निकल रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, फिरुंदा।